लेना है लेना है, गपशप करना है करना है। यस, आप गाना सुनकर समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट किशोरी शाहने। किशोरी जी एज काकू, गुम है किसी के प्यार में, बहुत ही मस्त मस्त कड़क कड़क परफॉर्मेंस कर रही हैं, और आप सभी के बीच में बहुत वो पॉपुलर भी हैं और उनको बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है आप सभी से। किशोरी जी मराठी फिल्मों की बहुत ही ग्लैमरस अभिनेत्री रह चुकी हैं। उन्होंने 70 से ज्यादा मराठी फिल्मों में काम किया है, उन्होंने 40 से ज्यादा हिंदी मूवीज में काम किया है, जैसे कि कर्मा, हफ्ता बंद, लेना है लेना है। ये गाना आपने जरूर सुना होगा फ्रॉम द मूवी बॉम ब्लास्ट। अभी के रीसेंट मूवी में पुलिसगिरी मोहन जुदारो में भी हमने उन्हें देखा है। अभी आप उन्हें देख रहे हैं टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज में। वो एक डांसर हैं, एक्ट्रेस हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हैं, इतनी वर्सेटाइल पर्सनालिटी हैं। तो चलिए मिलते हैं किशोरी जी से एंड लेट्स डू सम गपशप। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, आप सबकी पसंदीदा काकू फ्रॉम गुम है किसी के प्यार में। उनका ओवरऑल मोर देन 30 इयर्स ऑफ एक्टिंग करियर एक्सपीरियंस रह चुका है। आइए मिलते हैं काकू से, किशोरी सहानी जी से। किशोरी जी, वेलकम टू आवर शो गपशप। Yeah, thank you so much for welcoming me to this beautiful गपशप show. And बस अभी आप जैसे मुझे देख रहे हैं, मैं भवानी काकू के ही गेटअप में हूँ, अपने मेकअप रूम में बैठ के आपसे बात कर रही हूँ मेरे लंच टाइम में. सो इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू ऑल एंड मजा आ रहा है. बोलिए बोलिए. जी किशोरी जी, लेट्स बिगिन विद दी स्टार्टिंग। ओवरऑल आपने अपना शुरुआती ब्रेक कर्मा से स्टार्ट किया था, उस समय आप सिर्फ क्लास 10 में ही थी। आपने इतनी बड़ी सेलिब्रिटी दिलीप कुमार जी के साथ में काम किया। ओवरऑल उसमें बहुत सारे दूसरे बहुत ही फेमस स्टार्स थे, जैसे कि नूतन जी, नसीरुद्दीन शाह, और भी बहुत सारे स्टार्स थे। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्चुअली कर्मा एकदम एक्सीडेंटली हुआ मेरे साथ. एंड मैंने सोचा नहीं था कि मुझे फिल्म करियर करना है. इट वाज जस्ट बाय चांस दैट आई लैंडेड एट द स्टूडियो. एंड किसी के थ्रू, पहचान के थ्रू मैं वहाँ पहुँच गई थी, अपने मम्मी के साथ पहुँची थी. एंड सुभाष घई जी ने मुझे देख लिया और कहा कि एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस है तो आप करेंगी. तो मैंने बोला, मैं तो बहुत छोटी थी और मैंने सोचा ये पता नहीं क्या है, कर लेते हैं, क्यों नहीं करेंगे. तो शौक के तौर पे मैंने ऐसे कर लिया. एंड तभी नसरुद्दीन शाह एकदम से मेरे सामने खड़े थे और साइड में अनुपम खेर थे. ये वो सब बहुत जी बड़ा, एकदम बहुत ज़्यादा बड़े लेजेंड थे मेरे सामने सारे जन. एंड बट मैं बहुत छोटी थी कि मैं सोचूं कि अरे मैं सीख रही हूँ, मैं क्या सीख रही हूँ, ऑल दैट. वो सोचने के लिए मैं बहुत छोटी थी. तो मुझे लगता है कि वो जस्ट एक सपना की तरह मैं उसे ट्रीट करती हूँ. एक सपना अच्छा सा मुझे मेरी जिंदगी में आया कर्मा का, और दैट्स जी इट. मतलब उससे मैं ऐसे कुछ सीखूं वीखूं ऐसा टाइप का कुछ ये नहीं, एक्सपीरियंस मैं बता नहीं पाऊंगी. इट वॉज जस्ट अ गुड ड्रीम ऑफ माइंड. डेफिनेटली, एंड वी आर ब्लेस्ड दैट आपको ब्रेक मिला सो दैट वी कुड सी मोर परफॉर्मेंस, सच ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। मैंने आपने इतने सारे काम किए हैं। ओवरऑल आपने हाँ सीरियस जी जी बोलिए बोलिए. आपने एक्टिंग को एज अ सीरियस प्रोफेशन कब लेना डिसाइड किया? इन शॉर्ट मैं अपनी जर्नी बताती हूँ. बेसिकली मुझे शौक था डांस का. ओके. एंड आप मेरे रील्स में भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर मेरे बहुत सारे डांस रील्स होती हैं. तो मुझे जी बहुत बहुत शौक रहा है डांस का. एंड मैं कुछ 8th स्टैंडर्ड में या कुछ थी, तो एक अपॉर्चुनिटी आई थी. एंड उसमें डांस, फोक डांस ड्रामा था वो.
तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट कर लिया, और मेरे मम्मी डैडी ने, फैमिली ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया। शादी से पहले मम्मी डैडी ने सपोर्ट किया, शादी के बाद हस्बैंड ने, बेटे ने सपोर्ट किया, बॉबी ने। तो ऐसा चलता रहा है मेरा सफर। और वहाँ से ये कर्मा भी, जैसे मतलब मैंने कहा कि 10th स्टैंडर्ड में थी तभी मेरे साथ ही हुआ, एक जी ड्रीम जी हुआ, क्योंकि मैं काम कर ही रही थी तो मुझे लगा कि एक और कुछ अलग कर लूं। उसके बाद लेकिन जब मुझे प्रोफेशनल थिएटर पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती गई, मतलब एक्चुअल स्पीकिंग लाइंस एंड एक्टिंग एंड परफॉर्मिंग, वहीं से मुझे पिकअप किया गया फिल्मों के लिए, मराठी फिल्मों के लिए। तो जी मेरी जर्नी वैसे शुरू हो चुकी थी और मेरा एजुकेशन साथ साथ में चल रहा था। तो मेरे लिए ये था कि मुझे भाई एजुकेशन पहले कंप्लीट करना है, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट बिल्कुल हूँ। तो एजुकेशन करते करते मेरा ये भी सफर चालू रहा, और मैं बहुत बिजी रही बचपन से ही अपने लाइफ में। तो हाँ ऐसे मेरा एक सफर रहा कि मैं जब तक मतलब टीवाई बीकॉम कर रही थी, 20 इयर्स की थी, तब तक मैं ऑलरेडी 20 फिल्म्स की हीरोइन हो चुकी थी, मराठी फिल्मों वाह की। या ओके सो दैट वाज माय जर्नी। एंड देन द हिंदी मूवी स्टार्टेड हैपनिंग लिटिल लेटर, जब मैं 21 22 की थी। तो फिर मेरा हफ्ता बन, जिसके डायरेक्टर दीपक जी बलराज विज, जो आज मेरे हस्बैंड हैं, तो उनकी फिल्म में मैंने काम किया हफ्ता बन में, बॉम्ब ब्लास्ट, जिसमें रोनित रॉय हीरो था एंड डायरेक्टर दीपक जी थे। फिर प्यार का देवता, ऐसे कुछ और फिल्में थी, लेकिन मैं मेन लीड करके बॉम्ब ब्लास्ट फिल्म में आई थी। तो देयर वाज अ ओके वेरी फेमस सॉन्ग कॉल्ड लेना है दिल अभी भी तेरा वो गाना बहुत ही लेना पॉपुलर है, पीपल स्टिल रिमेम्बर दैट सॉन्ग। या आपने सो एक और मूवी आई थी अशोक सर के साथ में जो आई थी, प्रेम करुया खुल्लम खुल्ला, उसमें हाँ ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा था? बिकॉज अगेन दैट वाज अ वेरी ब्लॉकबस्टर मूवी। यस सी फॉर्चुनेटली व्हेन आई एंटर्ड मराठी फिल्म इंडस्ट्री, इट वाज अ गोल्डन ईरा ऑफ द मराठी फिल्म्स, बिकॉज ऑल आवर मूवीज वर सुपर हिट्स। आई डिड अ लॉट ऑफ कॉमेडी फिल्म्स, आई डिड लाइक ऑलमोस्ट आउट ऑफ माय 127 फिल्म्स इन मराठी, आई हैव डन ऑलमोस्ट 40 फिल्म्स कॉमेडी। तो या सो दीज कॉमेडी फिल्म्स वर ऑल टिल नाउ ऑल्सो ऑल द चैनल्स आर टेलीकास्टिंग देम। एंड प्रेम करिया खुल्लम खुल्ला वॉज विथ लक्ष्मीकांत बेर्डे, एंड माझापति करोड़पति वॉज विथ अशोक सराफ। सो ऑल दीज फिल्म्स हैव बीन सुपर हिट्स। एंड वहां से ना आपको कॉमिक टाइमिंग बहुत सीखने को मिल जाता है व्हेन यू वर्क इन कॉमेडी जॉनर प्रोजेक्ट्स। बहुत अच्छा कॉमेडी टाइमिंग हो जाता है आपका, एंड दैट इज लाइक फन ऑफ स्क्रीन एंड ऑन स्क्रीन ऑल्सो। तो वो कॉमिक टाइमिंग के लिए मुझे बहुत बेनिफिट रहा कि मैंने उन लोग के जैसे इतने बड़े कॉमिक टाइमिंग के हीरोज के साथ काम किया। तो क्या डिफरेंस आपको अभी दिखाई देता है फ्रॉम वर्किंग फ्रॉम देन एंड अभी क्या बदलाव आए हैं? सी श्वेता, यू हैव टू बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल इन योर लाइफ। एंड मैं पास्ट लॉरल्स पे नहीं जीना चाहती, जो मैंने मतलब कुछ क्या किया है जिंदगी में। ऑफ कोर्स दैट इज माय फाउंडेशन, दैट इज माय बेस, माय मराठी सिनेमा, माय सो मेनी अदर गुड प्रोजेक्ट्स आई हैव डन, सिल्वर जुबली फिल्म्स आई हैव डन। एंड जो मैं आज इस मकाम पे हूँ, तो उसी के बेसिस पे हूँ। तो आज डेफिनेटली काम करने का तरीका बहुत चेंज हुआ है, बहुत कमर्शियल, बहुत प्रोफेशनल हो गया है, जो आज के वक्त के लिए जरूरी भी है, क्योंकि वक्त कम है हमारे पास और काफी कुछ और भी जिंदगी में करना बाकी है। तो ऐसा कुछ भागता दौड़ता वक्त हो गया है जिंदगी का। तो जब मैंने शुरू किया था, जैसे आज से 20 25 30 साल पहले, तो तभी तो बहुत शांति थी। तभी हम लोग तो ऑल एक्टर्स एंड ऑल दैट यूज्ड टू बी वेरी गुड फ्रेंड्स। घर पे जाना आना, पेरेंट्स आने जाने, सेट्स पे एक दूसरे के घर पे जाना, फिर किसी की शादी हो रही है तो बीवी बच्चे, ये वो एक सब, बहुत ही हेल्दी मतलब एनवायरनमेंट। बहुत बहुत हेल्दी फैमिली एनवायरनमेंट हुआ करता था, उतना वक्त होता था। आपको शायद शॉक होगा, लेकिन मंथ्स एवरी सेकेंड संडे वाज अ हॉलिडे, एंड हम लोग सिर्फ 9 to 6 शूट करते थे। तो 9 to 6 की शूट में, और फिर बाद में शाम को फ्री। सो दैट काइंड ऑफ फ्री टाइम वी यूज्ड टू हैव। आज की तारीख में
9 to 5 जॉब नाम की कोई चीज रही ही नहीं जी है। हर जगह टारगेट्स है, हर जगह 24 आवर्स काम चालू हो गया है। तो वैसे ही अभी हमारी लाइन में हो गया है, सीरियल इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, एनी टाइम एनी वन इज शूटिंग। फिर वो 31st नाइट हो या आपका बर्थडे हो या दिवाली हो, एवरी डे एवरी वन इज वर्किंग। जब आपके पास काम है तो किसी भी दिन आप काम करते हो। तो ये जो दौर है, प्लस जो एक्टर्स का जो अभी एक इतना बड़ा मतलब पॉपुलेशन बढ़ गया है, मतलब पहले हम हर जी एक्टर को जानते थे ऑलमोस्ट, आज सो मेनी एक्टर्स आर देयर एंड एवरीवन इज डूइंग वेरी गुड। तो हर एक के साथ राइट उतना ही लेवल पे जाना, उतना ही फ्रेंडली होना उनसे, तो ताकि हाउ डू अपना यू बैलेंस इंटरेक्शन। दैट आप घर में भी और एक्टिंग करियर में भी हाउ डू यू बैलेंस दैट बिकॉज इट्स रियली डिफिकल्ट टू मेंटेन बोथ द पर्सनल एंड प्रोफेशनल वर्क हाउ डू यू बैलेंस दैट यस एक्चुअली बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करना पड़ता है एंड मल्टीटास्किंग में खुद की थोड़ी सी रेड लग जाती है। रेड लग जाती है मतलब थोड़ा क्या होता है कि आपको थोड़ा सोने को कम मिलता है, एक्सरसाइज करनी होती है तो आपको अपने लिए खुद का वक्त निकालने की ज़रूरत होती है। एंड फैमिली वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली अगर खुश है एंड दे हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड द ट्रस्ट दैट आई एम देयर फॉर देम, तो एब्सोल्युटली डेफिनेटली या आई मीन दे आर देयर फॉर मी। ये एक फीलिंग जो होती राइट है ना, बहुत ही हेल्दी फीलिंग होती है एंड दैट्स हाउ दैट यू नो यू कैन वर्क। मतलब आप हाँ अपना जो फैमिली की रिक्वायरमेंट्स है वो भी आप उतनी ही अच्छे से सफाई से करो और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छे से सफाई से करो। तो आई थिंक दैट्स द ओनली वे यू कैन बैलेंस इट। यू कैन नॉट इग्नोर एनी थिंग, यू कैन नॉट इग्नोर फैमिली फॉर योर करियर, यू कैन नॉट इग्नोर करियर फॉर योर फैमिली। तो डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है एंड किशोरी जी हाउ डिड यू बिगिन योर डे से सपोज टुडे संडे एंड यू आर स्टिल वर्किंग यू आर ऑन द सेट तो आपने अपने दिन की शुरुआत कैसे की एंड व्हाट इज योर आगे का शेड्यूल बिकॉज आप अभी भी इतने फिट हो वी रियली वांट टू नो कि हाउ डू यू मेंटेन दैट आई मीन टेकिंग दैट आउट टेकिंग दैट टाइम आउट उसके बाद में आप सब चीज मैनेज करते हो हाउ डू यू गिव सो मच इम्पोर्टेंस ऑन योर वर्कआउट एंड योर पर्सनल एंड योर प्रोफेशनल फील्ड या सी एक्चुअली माय डे स्टार्ट्स वेरी अर्ली। 5:30 को मेरा दिन शुरू हो जाता है सुबह एंड बाय द टाइम लाइक यू नो इट्स लाइक 8:30 का कॉल टाइम होता है, तो नेचुरली आई हैव टू लीव माय हाउस बाय 7:45। सो आई हैव ओनली लाइक वन हार्डली 2 आवर्स आई हैव इन माय हैंड इन द मॉर्निंग। तो उसके अंदर अपना थोड़ा सा घर का भी कुछ ना कुछ होता है, अपडेटिंग करना होता है, प्लस योर हाफ एन आवर एटलीस्ट मैं निकालती हूँ एक्सरसाइज के लिए, जो मुझे आगे पूरा दिन फ्रेश रहने के लिए बहुत काम आता है। तो मैं बेसिकली फिट रहने के लिए, अपने आप को फ्रेश रखने के लिए एंड आई फील आई मीन दैट्स द यूएसपी ऑफ माइंड कि द फिटनेस दैट आई फॉलो व्हाट एवर आई एम टुडे, लाइक आई हैव गॉट अवार्ड्स आल्सो, फिटनेस आइकॉन अवार्ड्स एंड ऑल दैट। सो दैट रियली इंस्पायर्स मी, मोटिवेट्स मी मोर टू रिमेन फिट। जब छुट्टी होती है तो जॉगिंग चले जाते हैं, जू बीच मेरे घर के सामने है तो जॉगिंग चले जाते हैं मैं और मेरे हस्बैंड दीपक, तो और मेरा बेटा बॉबी, वो भी उतनी ही शिद्दत शिद्दत से एक्सरसाइज करता है। तो एक्सरसाइज हैज बीन इन आवर रूटीन ऑलवेज। उसके बाद फिर तैयार होकर शूटिंग पे पहुंचना बाय 8:30 शूटिंग एंड 8:30 to 9 o'clock ऑलमोस्ट आई एम देयर ऑन द सेट्स। बाय द टाइम आई स्लीप इज लाइक ऑलमोस्ट 11:30, सो हार्डली 5-6 घंटे की नींद मिलती है, लेकिन दिन में अगर मुझे गैप मिलता है शॉर्ट्स में तो मैं एक आधा घंटा नैप ले लेती हूँ। सो दैट्स हाउ लाइक आई मैनेज माय लाइफ। तो काकू मैं बोल रही हूँ बिकॉज वी आर ऑल हमारे दिमाग में जहन में ये काकू इतना पॉपुलर इतना मतलब लोकप्रिय है पीपल आर लविंग दिस मस्त मस्त लेडी सो मच दैट वी आर थैंक यू। सो एनचांटेड बाय योर चार्म ओह थैंक यू। आप जैसे आप कैरेक्टर कैसे चूज करते हैं आप मतलब हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ कैरेक्टर जैसे काकू के लिए आपने क्या क्या तैयारी की सी जब भी कैरेक्टर मेरे पास आया तो फर्स्ट आई सॉ दैट शी इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड शी इज द कंट्रोल टावर ऑफ द एंटायर हैपनिंग्स ऑफ द हाउस, वो मैंने देखा। एंड मुझे यही कहा गया था कि शी इज एट द एज, मतलब शी इज नॉट इवन नेगेटिव, शी इज नॉट इवन पॉजिटिव,
बट अपने रुतबा, अपना परिवार की इज्जत, संस्कार, ये सब संभालने के लिए जो बलि देना पड़े तो बलि देगी, लेकिन अपने सोसाइटी में अपना नाम, चव्हाण खानदान का नाम रखने की कोशिश करेगी। तो इस वजह से हो सकता है कि कभी मैं बहुत रूड हो जाती हूँ, कभी अच्छी चीजें हो रही तो प्यार भी कर देती हूँ। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें चल रही है, चलती है, ये सब मुझे बताया हाँ गया था पहले। तो आई फेल्ट कि दिस इज अ डिफरेंट कैरेक्टर। देखो मेरी शक्ल ना, ओके अगर आप बगैर काकू के गेटअप में देखोगे तो कोई मुझे इतना हार्ड रोल नहीं देगा। मेरा थोड़ा सॉफ्ट कैरेक्टर्स होते सॉफ्ट एंड हैं। वेरी प्लीजिंग एंड वॉर्म लुक या है, राइट या या सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट दिस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर विच इज चैलेंजिंग, कि मुझे अपने लुक्स के साथ उसको पेश करना है। तो आई फाउंड इट वेरी चैलेंजिंग एंड आई एक्सेप्टेड द कैरेक्टर। एंड टू किशोर वर्क जी, ऑन अभी इट, तक का हाँ आपका, हाँ प्लीज बोलिए. नहीं, एंड टू वर्क ऑन इट, लाइक आई इमेजिन, यू नो, जैसे होता है ना कि आप मुंबई और दिल्ली के बारे में मत सोचिए, आप सोचिए थोड़ा सा रिमोट एरियाज में, कुड बी इवन कर्जत, कुड बी इवन नागपुर, एक्चुअली जो नागपुर की कहानी है। तो यहाँ पे ऐसे जी खानदान होते हैं जो अपना रुतबा संभालने के लिए अपने फैमिली के भी कुछ खुशियां सैक्रिफाइस कर देते हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल. वो लेडी है और वो कैरेक्टर मैं पेश कर रही हूँ। तो अभी तक का आपका सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रोल कौन सा रहा है? अभी तक का चैलेंजिंग रोल, एक्चुअली ने बहुत काम बिकॉज किया एक है मैंने। 2016 में जैसे आपने एक ट्रांसजेंडर, एक शक्ति जो सीरियल आई थी, जी जो दैट वाज अगेन अ वेरी चैलेंजिंग रोल, उसमें एक ट्रांसजेंडर का आपने रोल किया था. ओवरऑल आपने इतनी ज्यादा वर्सिटैलिटी है आपके परफॉर्मेंस में अभी तक का, तो अभी तक का आपका सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कौन सा रहा है रोल? एक्चुअली शक्ति की बात करें तो या दैट वाज वेरी चैलेंजिंग, थोड़ा सा वॉइस और मुझे उसमें होर्स करना पड़ा था, जैसे मतलब होता है थोड़ा सा मोटा आवाज, मोटी आवाज जो निकालते हैं खराश में से, वगैरह. हाँ हार्श थोड़ा सा वो करना पड़ा था, प्लस थोड़ा सा मैनरिज्म उसमें, थोड़ा मैनली मैनरिज्म्स रखे थे लेडी एंड मैन ऐसे काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन के लिए। एंड मैंने एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स काफी किए हैं। एक फिल्म की थी मैंने, खैरलाल जी चा माथ्यावर, विच वॉज मराठी फिल्म बेस्ड ऑन रियल स्टोरी। 2006 में हत्याकांड हुआ था विदर्भ में, तो खैरलाल जी में, तो वहाँ का ये स्टोरी था। एंड मैं उसमें दलित फार्मर, पुअर फार्मर लेडी की भूमिका कर रही थी। एंड उसके लिए मैंने बहुत काम किया था। मतलब ये है कि गरीब लोगों के पास शैम्पू भी नहीं होता है, या गरीब लोगों के पास लुक वाइज साबुन नहीं होता है, पानी भी हार्ड होता है, तो उनको बेसिक एक ही पानी नेसेसिटीज नहीं से, होती है. या बेसिक नेसेसिटी नहीं होते, तो हाउ कैन यू लुक लाइक दैट? हम तो बिल्कुल शहर के पॉलिश्ड लोग होते हैं। सो टू गेट इनटू दैट कैरेक्टर, 15 दिन में उन लोग के साथ रही, उन लोग का पूरा लुक वगैरह मैंने ऑब्जर्व किया, वो क्रिएट करने की कोशिश की, और उसके लिए मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड्स भी काफी सारे कॉम्पिटिशन्स में मिले। तो दैट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग रोल। एंड एक और मेरी अभी फिल्म आई है, जीवन संध्या, विच इज ऑन अमेजॉन प्राइम, एंड आई विश आई यू ऑल वॉच इट। उसमें सब टाइटल्स भी है, मैं और वी अशोक सराफ डेफिनेटली के साथ। विल. या जीवन संध्या, यू मस्ट वॉच इट, इट्स अ वंडरफुल फिल्म। एंड आप लोग को देख के बहुत बहुत अच्छा लगेगा। मतलब थोड़ी सी आपको लगेगा कि अरे यार ये क्यों देखनी है फिल्म, बिकॉज इट इज लाइक अ 60-year-old कपल की लव स्टोरी है ये। तो ओके उसमें दैट्स मैंने, या अमेजिंग. उसमें, या 60-year-old लेडी का रोल किया है उसमें, तो बहुत अच्छी ओके स्टोरी है, लव स्टोरी है। आप लोग जरूर देखिएगा अमेजॉन प्राइम पे। एंड वी विल ये डेफिनेटली मेरे ख्याल वॉच से, दैट. या ये दो कैरेक्टर्स तो डेफिनेटली बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे मेरी लाइफ के। तो किशोरी जी, आप एक डांसर हैं, आप टीवी में एक्टिंग भी किया है, आपने फिल्मों में भी एक्टिंग किया है. नाउ टीवी इज देयर, मूवी इज देयर, वेब सीरीज इज देयर, इतना सब कुछ किया है आपने. व्हाट नेक्स्ट आर यू प्लानिंग टू डू? आई हैव बीन अ डायरेक्टर ऑल्सो, मैंने एक यस मराठी, या मराठी फिल्म डायरेक्ट की नॉट थी। सो सी आई कैन नॉट कमिट नाउ एनीथिंग, बट देर इज लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द पाइपलाइन। मेरे हस्बैंड की भी फिल्म का प्लानिंग चल रहा है, शॉट इन द डार्क। तो एक्चुअली वेन एवर माई हस्बैंड दीपक बलराज, विच इज अ बिग फिल्म मेकर, इज डन लाइक 22 फीचर फिल्म, सैलाब, जानते रे नाम, हफ्ता भर,
सो मेनी सिल्वर जुबलीज। सिल्वर जुबली मतलब 25 वीक्स हाउसफुल एक थिएटर में चलना। तो इज दैट डायरेक्टर ऑफ सो मेनी मूवीज लाइक जानते रे नाम से 11 ऑल दैट हफ्ता बन एंड ऑल। ही इज मेकिंग अ मूवी। तो व्हेन वी मेक अ मूवी आई एम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एंटायर टीम। तो उसमें भी मैं बिजी रहूंगी। हमारे बेटे को हम इंट्रोड्यूस करेंगे उसमें। प्लस ही इज गोइंग टू डू अदर प्रोजेक्ट्स आल्सो। बॉबी विच नाम है उसका। तो ही इज आल्सो प्लानिंग टू कम इन दिस लाइन एंड ही इज कम्प्लीटली ट्रेन्ड एंड ग्रूम्ड। एंड उसके साथ भी मेरे रील्स होते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, तो उसको भी काफी हमने लाइक बहुत करते हैं सारे लोग। ऐसे रील्स देखे हैं विच इज वेरी पॉपुलर एंड बहुत मस्ती से भरे होते हैं वो सारे रील्स. जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रोजेक्ट पे हम लोग ज्यादा काम करेंगे। शॉट इन द डार्क ये हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा। किशोरी जी, आपने बिग बॉस मराठी सीजन 2 में भी पार्टिसिपेट किया था, तो हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस इन दैट? बिकॉज उसमें ना स्क्रिप्ट होता है, नथिंग, यू आर देयर विदाउट स्क्रिप्ट एंड यू आर लाइक बिल्कुल नेचुरल जैसे आप हो, यस तो हाउ वाज द यस एक्सपीरियंस? वेल एक्सपीरियंस वॉज वेरी एनरिचिंग। जब मैं अंदर थी फॉर 100 डेज एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग था। एंड जैसे हम अभी ये 24/7 तो हम अलर्ट नहीं रहते हैं, लेकिन वहाँ पे साइकोलॉजिकली 24/7 यू आर अलर्ट बिकॉज हु इज बैक स्टैबिंग यू, हु इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन योर जर्नी ऑफ बिग बॉस, एंड हु इज डूइंग वॉट, एंड हु इज ट्राइंग, हु इज बीइंग योर फ्रेंड, गुड फ्रेंड, रियल फ्रेंड। ये सारी चीजें इतनी चेंज होती रहती है। बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम है ये, एंड बहुत ज्यादा पेशेंस मेंटली सिखाता वेरी है। चैलेंजिंग आई गेस. वेरी 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 चैलेंजिंग, बट थैंकफुली आई वॉज देयर फॉर 100 डेज। आई वॉज इन द टॉप 5 फाइनलिस्ट एंड प्लस आई वन द अवार्ड कॉल्ड शाइनिंग स्टार ऑफ द सीजन अवार्ड ऑल्सो फॉर द शो। सो इट वॉज तो गुड आप दैट आई क्या डिड दैट शो। हिंदी सीजन हिंदी के बिग बॉस में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जरूर करना चाहूंगी। एंड सी आई लव चैलेंजेस। मैं हमेशा रियलिटी शोज में भी जाती रही हूँ और ये बिग बॉस में भी किया है। सो आई लव चैलेंजेस। विनिंग एंड लूजिंग इज नॉट वॉट आई रियली एम फॉर। आई एम फॉर वन मोर माइल स्टोन इन माई जर्नी, वन मोर माइल स्टोन इन माई जर्नी। मतलब कुछ और सीखा, कुछ और सीखा। आई एम अ लर्नर सो आई लव टू लर्न न्यू थिंग्स, आई लव टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। जो बहुत सारे ऐसे एस्पायरिंग एक्टर्स हैं हु सीज यू यू नो लाइक एज एन आइकॉन टू लर्न फ्रॉम यू, तो आप ऐसे एस्पायरिंग एक्टर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? सी एस्पायरिंग एक्टर्स को मैं यही बोलूंगी कि बी वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट। यू हैव टू ऑब्जर्व, यू हैव टू बी अलर्ट। यू कैन नॉट बी व्हाट इज कंप्लेसेंट विद द सिचुएशन। यू ट्राई टू लर्न आउट ऑफ वॉट एवर सिचुएशन यू आर इन एंड कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट लाइन एंड टू सर्वाइव एंड सस्टेन। मतलब हम लोग सर्वाइव भी कर रहे हैं, सस्टेन भी करने की कोशिश करते रहते हैं। अगर जी आप टाइम के साथ आगे नहीं बढ़ोगे तो जो भी रिक्वायरमेंट होती है, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट, प्लीज गो अहेड। ऑडिशंस देने पड़े तो ऑडिशंस दे दो, और कुछ मेहनत करनी पड़े किसी कैरेक्टर के लिए तो और मेहनत करो, बट द कीप गोइंग एंड सम टाइम सम डे यू विल डेफिनेटली गेट अ ब्रेक। जुनून से शुरू किया था अपना डेब्यू सीरियल्स राइट सीरियल, और अभी वी आर इन 2022, तो फर्स्ट, तो उस समय का एक वर्किंग एनवायरनमेंट और अभी का एनवायरनमेंट, जैसे आप बता चुके हैं कि अभी का टाइम में बहुत ज्यादा लोग प्रोफेशनल हैं, दे आर वेरी एक्यूरेट, एंड फिर भी ओवरऑल व्हाट इज द चेंजेस, द मेजर चेंजेस दैट यू सी, ये जो 2 डेकेड अभी क्रॉस हो गए हैं इन द टीवी इंडस्ट्री? से पहले तो ये था ना कि वीकली सीरियल्स बनते थे तो ऑटोमेटिकली यू आर शूटिंग लेस, कम दिन आप काम करते थे। लेकिन जब मिलते थे तो बहुत प्यार से सारे जन मिलते थे एंड वर्किंग एटमोसफियर भी काफ़ी मतलब इट वाज नॉट लाइक अ डेली सोप। अभी क्या हुआ है, डेली सोप आज 2022 में जो हम अभी आज डेली सोप कर रही हूँ, गुम है किसी के प्यार में, इसमें सारे एक्टर सारे टेक्नीशियंस हैव अगेन बिकम अ बिग फैमिली बिकॉज वी आर वर्किंग एवरी डे टुगेदर फॉर 12-13 आवर्स। मतलब हम हमारे घर की फैमिली को कम टाइम दे रहे हैं और इस फैमिली को हम ज्यादा टाइम दे रहे हैं। तो
दिस इज लाइक ऑटोमेटिकली अ देयर इज सेकंड लॉट होम ऑफ, नाउ. या दिस इज माय सेकंड होम एंड इट्स अ लॉट ऑफ अटैचमेंट इज डेवलप्ड. किसी का क्या कभी ऊंच नीच होती है जिंदगी में, कुछ पर्सनल लाइफ में, तो एवरीवन स्टैंड्स बाय देम एंड एवरीवन ट्राइज टू हेल्प आउट. तो ये एक अलग डेली सोप का भी एक अलग जो क्या बोलते हैं एटमोसफियर है. एंड अदरवाइज इफ यू आर वर्किंग इन फिल्म्स और वेब सीरीज इन टूडेज टाइम्स, इट इज लिटिल मोर प्रोफेशनल बिकॉज दैट इज फॉर फ्यू आवर्स. उतनी आपकी पहचान नहीं बन पाती है. जब तक आपकी पहचान बनती है प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, शूटिंग डेज खत्म हो जाते हैं. तो आई थिंक टुडेज टाइम डेली सोप्स येट हैव दैट फैमिली एटमोसफियर. अगर आपकी ट्यूनिंग हो जाती है सारे एक्टरों के साथ, जी टेक्नीशियंस के साथ, तो बहुत ही प्यारा एटमोसफियर हो जाता है. वी रियली लुक अप टू कि अरे कल शूट है, चलो मिलते हैं सारे जन, मिलेंगे लंच के लिए बैठेंगे. तो सारे जन लंच के लिए साथ में बैठते हैं, मजा करते हैं, मस्ती करते हैं. हाँ एंड मतलब मुझे पहले का टाइम याद आता है जब एक्चुअली हीरो हीरोइन सारे एक साथ बैठ के खाना खाते थे, जो आज की तारीख में वेब में और फिल्मों में नहीं है. आज की तारीख में थोड़ा प्रोटोकॉल्स अलग हो गए हैं सबके, तो वो एक फिल्मों में और वेब सीरीज में वगैरह मिसिंग होगा या एड फिल्म्स में मिसिंग होगा. बट सीरियल में तो अभी भी वही है कल्चर, काफी हद तक सारे जन एक साथ बैठ के खाना खाते हैं. तो जैसे आप प्रोजेक्ट वाइज काम करते हैं, डू यू वर्क साइमल्टेनियसली? सपोज यू आर वर्किंग एट प्रोडक्शन वन, यू आर वर्किंग एट प्रोडक्शन टू, एंड एक प्रोडक्शन वन में आप काम कर रहे हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाने के बाद में सपोज बीच में एक गैप आती है, तो हाउ डू यू कोप अप विद दैट? बिकॉज एक एक नैक ऑफ वर्किंग हमेशा रहता है, योर माइंड इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड विद द वर्क. फिर बीच में एक गैप हो जाने से एक थोड़ी फ्रस्ट्रेशन, एक वो थोड़ी एंजाइटी आ जाती है. सपोज अगर प्रोडक्शन टू आने में टाइम लग गया, तो हाउ डू यू कोप अप विद दैट? या फिर देर इज नो गैप, यू जस्ट स्विच ओवर फ्रॉम वन प्रोडक्शन, खत्म हो रहा है, एंड देन यू क्विकली गेट इन टू प्रोडक्शन टू. See, I am a workaholic. I love to work 24/7. That is my mantra for fitness also and keeping me very, very active. मुझे तो अच्छा लगता है कि एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया, दूसरा आ गया, दूसरा खत्म, तीसरा आ गया, बैक टू बैक मैं कर सकती हूँ. और जब अनफॉर्चुनेटली या कोइंसिडेंटली कुछ होता है कि एक आध गैप आ जाता है, कभी एक सीरियल खत्म हो जाती है, दूसरे सीरियल मिलने को या प्रोजेक्ट मिलने को टाइम है, या एक फिल्म खत्म हो जाती है, दूसरी फिल्म मिलने को अभी थोड़ा समय है, तो उसके बीच में देन आई ट्राई टू कीप माई हेल्थ गुड, आई वर्कआउट, आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ फिट एंड आई लुक फॉरवर्ड टू द न्यू प्रोजेक्ट जो भी आने वाला है उसको उसकी मैं वेट करती हूँ. बट डेफिनेटली आई डोंट फील सैड, आई डोंट फील कि अरे क्या होगा, कैसे होगा, ऐसी फीलिंग लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. सब कुछ अपने आप प्लेस हो जाता है. सो देर इज नो टेंशन की स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस से आप अपनी तबीयत वापस खराब कर देंगे. तो उससे अच्छा चिल करो, जब काम आना है आएगा, उसकी तरफ आप मेहनत जरूर करते रहो, मीटिंग्स करते रहो, आप लोग ऑडिशंस देते रहो, जो भी है आप उसके लिए प्रोफेशन के लिए करते रहो. मिलेगा तो डेफिनेटली मिलेगा, अगर कुछ दिन के लिए नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, आपने अपनी मेहनत तो की है ना, आप शांति से सो जाओ, आपका काम जरूर कहीं ना कहीं दिखेगा. तो आप बहुत चिल्ड आउट एंड बहुत ही पॉजिटिव नोट में वो सब ब्रेक को लेते हो. यू टेक वो जो एक ब्रेक रह जाता है, यू फिल अप योर सेल्फ विद ऑल दी पॉजिटिविटी, आप हेल्थ पे ध्यान देते हो, उसके बाद में अगेन यू रिवाइव एंड देन ज्वाइन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट. डेफिनेटली. एंड जस्ट लास्ट क्वेश्चन किशोरी जी, कि आप हमारे स्टोरी बेरीज के व्यूअर्स और रीडर्स को क्या मैसेज या मैसेज देना चाहेंगे? स्टोरी बेरी के व्यूअर्स को मैं यही कहूंगी कि राखी जी और श्वेता जी बहुत मेहनत करके ऐसे शोज आपके लिए ला रहे हैं, आप इनको जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्यू कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिएगा. और अच्छे अच्छे कंटेंट ये ला रहे हैं आप लोगों के लिए. अब मुझे भी आज बात करके आप लोगों से बहुत मजा आया है. आई होप यू ऑल वॉच माई एंटायर एपिसोड एंड आप मुझे फॉलो कीजिएगा मेरे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम डेफिनेटली. पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे फॉलो कीजिए. मेरी फिल्म जरूर देखिएगा जीवन संध्या ऑन अमेजोन डेफिनेटली. प्राइम एंड कीप वॉचिंग मी इनको मैं किसी के प्यार में, बिकॉज भवानी काकू इज मस्त. हाँ मस्त. मस्त थैंक यू थैंक सो यू. मच किशोरी जी, इट वॉज अ थैंक यू. प्लेजर हैविंग यू इन अ शो. बहुत मजा आया आपसे बात करके. ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिविटी फील हुई आपसे बात करके. इट वॉज रियली थैंक नाइस टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच यू फॉर सो कमिंग. मच. थैंक यू श्वेता. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर. थैंक बाय. यू.